नोएडा में पार्किंग विवाद सामने आया है। नो पार्किंग से गाड़ी उठाने के दौरान विवाद हुआ। सेक्टर 18 में कार मालिक ने ट्रेन के शीशे तोड़ दिए हैं। तो ये बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर पार्किंग विवाद सामने आया। नो पार्किंग जोन से गाड़ी उठाने को लेकर ये पूरा विवाद बताया जा रहा है। सेक्टर 18 में कार मालिक ने क्रेन के शीशे तोड़ दिए। तो बता दें कि गाड़ी टो करके ले जा रहे थे, क्रेन वहां पर मौजूद थी और गाड़ी टो करके ले जा रहे थे, क्योंकि नो पार्किंग जोन में ये गाड़ी खड़ी हुई थी। लेकिन इसी बीच जो कार मालिक है उसने देख लिया और ये पूरा विवाद हो गया, जिसके बाद कार मालिक ने क्रेन के शीशे तोड़ दिए हैं। ये तस्वीरें हैं जिसके शीशे तोड़ दिए गए हैं और पूरा बवाल। नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी थी, उसको टो करके ले जा रहे थे और इसी बात को लेकर यह पूरा विवाद हो गया, जिसके बाद वहां पर कार मालिक पहुंचा और उसने क्रेन के शीशे तोड़ दिए। तो तस्वीरें देखिए नोएडा सेक्टर 18 की है, जहां पर अक्सर नो पार्किंग जोन में कई गाड़ियां खड़ी रहती हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी रहती हैं उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है लोगों को आने जाने में और बहुत ज्यादा स्पेस उस इलाके में नहीं है। इसी वजह से टो करके ले जा वहां पर टो करके गाड़ियां ले जाई जाती हैं, जो कि नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी रहती हैं। और अक्सर इस तरह के जो है मामले वहां पर सामने आते हैं, लोगों की नाराजगी सामने आती है। और एक ये बड़ा विवाद अब सामने आया, जहां पर एक गाड़ी नो पार्किंग जोन में खड़ी हुई थी, उसको टो करके ले जाया जा रहा था, लेकिन इसी बीच वहां पर जो गाड़ी का मालिक है वो पहुंचा और ये पूरा विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि कार मालिक ने क्रेन के शीशे तोड़ दिए। तो ये उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पूरे विवाद की, जिसके शीशे तोड़ दिए गए हैं। तो ये नाराजगी और ये गुस्सा इसी वजह से क्योंकि उनके जो कार मालिक था उसकी गाड़ी को टो करके ले जाया जा रहा था और इस गुस्से में आया कार का मालिक और उसके बाद जो क्रेन है उसके शीशे तोड़ दिया। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अमित, नोएडा सेक्टर 18 की ये घटना जहां पर नो पार्किंग जोन में कोई गाड़ी खड़ी थी, उसके बाद बताया जा रहा है कि विवाद इस बात को लेकर हो गया क्योंकि गाड़ी को टो करके ले जाया जा रहा था। बिल्कुल, देखिए क्योंकि न्यू ईयर की शाम है तो ऐसे में तमाम जो एहतियात हैं पुलिस के द्वारा भी किए गए हैं और कई इलाकों में सेक्टर 18 के आसपास नो पार्किंग का इलाका या रूट डायवर्ट को किया गया। उसी दौरान ये युवक अपनी कार लगाकर नो पार्किंग में जा रहा था तो क्रेन वाले जो मल्टी लेवल पार्किंग में काम करते हैं वो गाड़ी उठाने के लिए जैसे ही पहुंचे तो युवक आग बबूला हो गया और क्रेन के आगे के तीनों शीशे पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिए। जो क्रेन लेकर जाने वाले जो युवक थे उनके साथ गाली गलौज भी की। फिलहाल इस वीडियो के सामने आने के बाद, विवाद सामने आने के बाद में एसीपी और थाना सेक्टर 20 के एसएचओ चौकी इंचार्ज सभी लोग मौके पर मौजूद है। युवक को फिलहाल हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर वजह क्या है। पार्किंग के लोगों को भी बुलाया है, कई बार पार्किंग संचालकों पर आरोप लगता है।